नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। नौकरी की चाह रखने वालों के लिए एक मौका फिर सामने आया है। यूपीएससी ने 285 पदों पर भर्ती निकाली है, जहां जियोलिस्ट, जियोफिजिस्ट, साइंटिस्ट बी और केमिस्ट ग्रुप ए के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख जो कि 11 अक्टूबर है, उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अप्लाई करने से पहले अपनी पात्रता की जाँच कर ले। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स परीक्षा 19 फरवरी 2023 को सभी आवेदकों के लिए और 24 और 25 जून 2023 को योग्य उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपीएससी जीओ के लिए साइंटिस्ट प्रीलिम्स परीक्षा पास होने के बाद मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा। उसके बाद इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आखिरी तारीख से पहले यानी कि 29 अक्टूबर 2022 तक rrcer.com पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। बता दें कि हावड़ा डिवीजन, लिलुआ वर्कशॉप, सियालदे डिवीजन, काचरापाड़ा वर्कशॉप, मालदा डिवीजन, आसनसोल वर्कशॉप और जमालपुर वर्कशॉप में पूरे कोलकाता में रेलवे के 3,115 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं या इसके समकक्ष 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और वहीं एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित व्यापार में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल रखी गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में ₹100 का भुगतान करना होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।